नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी वीडियो में इस चीज की आपको जानकारी समय समय पर देती ही रहती हूँ कि आप जिन चीजों से जुड़े हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, आपके घर की जमीन, आपके घर का नंबर, आपके घर में घर के जो भी पालतू जीव हैं, आपके घर के आसपास लगे हुए पेड़ पौधे, इवन आप जो कपड़ा पहनते हैं उसके कलर्स, एवरीथिंग ए टू जेड थिंग्स, जो भी आपकी सराउंडिंग्स हैं, जिसके बीच में आप बैठे हैं, उसका पूरा इफेक्ट आपके दिमाग पर होता है। यदि आप शत्रुओं के बीच में बैठे हैं, आप देखना, आपको पता हो या ना पता हो कि ये व्यक्ति शत्रु है, आपका मन बेचैनी महसूस करेगा। आप वो कलर यूज करें जो आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। आपकी किस्मत चमकेगी और चमकेगी, आपको मन की शांति मिलेगी। दूसरा, कई बार जब हम कोई काम करते हैं, जैसे आपने कोई व्रत किया, उपवास रखा है, तो आपको भूख लग रही होगी, नेचुरली पेट में आपको महसूस होगा कि मुझे भूख लग रही है। उस समय आपको तप करना है, थोड़ा अपने मन के विरोध में जाकर के तपस्या करनी है, लेकिन जो उसका फल आपको मिलेगा वो आपकी तमाम बाकी की जो तकलीफें हैं उसको दूर कर देता है, क्योंकि वो कर्म आपके लिए अच्छा था। भले वो तकलीफ दे था, लेकिन कर्म आपके लिए बहुत अच्छा था, जिसने आपको आपके जीवन में हर चीज से परिपूर्ण किया है। कलर पसंद करें तो वो जो आपको ताड़ दे। देवी देवता भी जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, यदि वो आपका इष्ट देव है, आपके मूलांक से जुड़ा हुआ है, तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, क्योंकि वो आपका अपना है, आपका अपना है। जो चीज, जो व्यक्ति कुदरत ने आपके लिए बनाए हैं, जब आप उनके साथ होंगे तो आपका भला ही होना है। किसी का करोड़ों का महल खड़ा है, आप जाएं उसमें बैठें, आप यूं बैठे रहेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ इसमें तो करोड़ों के सोफे पड़े हैं, इतना अच्छा इसका डेकोरेशन किया गया, इसको इतना अच्छा सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा, जितना भी आप अच्छा सोच सकते आप सोचते रहेंगे, लेकिन आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति आपको तभी मिलेगी जब आपके मकान में आ जाएंगे, भले वो कितना भी छोटा है, भले उसमें कोई डेकोरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक चीज है कि ये मेरा है, किसी और का नहीं है, ये सिर्फ मेरा है ना? क्योंकि उसको कुदरत ने आपके लिए बनाया है। आप अपनी कमाई का, दोस्तों, आप अपनी मेहनत की कमाई के पैसे यूज करें, उसका आनंद अलग है, आपके अंदर बेचैनी नहीं होगी, खुशी खुशी आप अपनी औकात में रह करके यूज करते रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप चोरी करके किसी के 1 करोड़ रुपया ले आए, आप सब कुछ एंजॉय कर लें, लेकिन कहीं आपकी आत्मा अंदर से आपको बोलेगी ये गलत है, ये आपका आई नहीं, ये किसी और का है। जो चीज वस्तु आपके लिए पॉजिटिव है, यदि वो आपके साथ है, तो समझिए आपका जीवन धन्य धन्य है। आपके दरवाजे पर लगे पेड़ पौधे, आपके आंगन में खिलने वाले पुष्प भी, यदि आपसे जुड़े हुए हैं, आपके ग्रहों से, आपके अंकों से, आपके लिए सौभाग्यकारी सिद्ध होते हैं, जो आपको मन की शांति देते हैं और आपके जीवन को, आपकी आत्मा को तार देते हैं। आज आपको एक ऐसे ही पौधे की जानकारी देने के लिए जा रही हूँ। किसी भी अंक का व्यक्ति हो, कोई भी हो, इसको रख सकता है, यह सभी के लिए पॉजिटिव है। जैसे ये पवन, ऑक्सीजन हर आदमी के लिए जरूरी है, हर जीव, जैसे स्टोन, गुरु का स्टोन, क्योंकि ज्ञान बुद्धि होना हर जीव के लिए जरूरी है, पानी हर जीव के लिए जरूरी है ना,
कुछ एक ऐसी चीजें हैं सृष्टि में दोस्तों जो सभी के लिए जरूरी है, कॉमन है, बराबर। उन चीजों का आपके साथ में होना आपके भाग्य को मजबूत बनाता है, आपकी किस्मत को चमका देता है। दोस्तों जो पौधा मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इसकी बहुत छोटी छोटी सी पत्ती होती है, मोटी मोटी सी पत्तियां होती हैं, हरी हरी, बिल्कुल छोटी छोटी सी, एक इंच या एक इंच से भी छोटी, कुछ हद तक गोलाकार इसकी पत्ती होती है, छोटा बिल्कुल मतलब छोटा सा पौधा होता है और इसके अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। अगर इस पौधे को आप घर के अंदर रखते हैं, इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, तो ये आपके घर की नेगेटिविटी को चूस लेता है अपने अंदर और पॉजिटिविटी को देता है, मतलब आपको ऑक्सीजन देता है। जैसे पीपल का पेड़ आपको ऑक्सीजन देता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता। बाकी के जो पेड़ है ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल ऑक्सीजन देता है। आप देखो बाकी के भी जल में ऑक्सीजन है, लेकिन जो गंगा जी का जल है उसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन है। जिन चीजों को शुद्ध और पवित्र माना गया है, जो चीजें आपके लिए कुदरत ने तय की है, आप देखना उसमें से जो चीज डेवलप होगी वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी साबित होगी। ये पौधा भी ऑक्सीजन देता है, ये हमेशा ऑक्सीजन देता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके घर के कलह को, दुख को, दरिद्रता को अपने अंदर खींचता है। नेगेटिविटी का मतलब है तमाम तरह की तकलीफों को ये अपने अंदर खींच लेता है और बदले में क्या देता है, पॉजिटिविटी, ऑक्सीजन देता है। जहां पर ये पौधा लगा होता है दोस्तों, उसके आसपास लगभग 4 से 5 फुट तक तो कोई भी नेगेटिव चीज आती भी नहीं है, ये इतना पॉजिटिव होता है। आप इसको घर के बाहर भी रख सकते हैं, घर के अंदर भी रख सकते हैं। इसका नाम है क्रेजुला। अभी तो इसका बहुत ज्यादा चलन हो गया है, लगभग लोग अपने घरों में इसको रखने लग गए हैं। इसको आप आज लेकर के आओ और तुरंत ही अपनी इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। 2 या 3 घंटे के बाद तो आपको पता चलने लग जाएगा कि ये आपके लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है। इन केस कोई ऐसी चीज है, जैसे मैंने बताया कि गुरु का अंक सबके लिए बहुत अच्छा है, 3 का अंक गुरु का अंक है, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है, लेकिन फिर भी 8 के अंक वाले जो लोग हैं उनके गुरु से नहीं बनती है। गुरु प्रधान व्यक्ति 8 के अंक वाले लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, ना 3 के अंक वाले लोग उसको जल्दी पसंद करेंगे, और 8 का अंक वाले जो व्यक्ति है वो 3 के अंक वालों के लिए हमेशा अशुभ ही साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में काफी कॉन्ट्रा है, दोनों उसकी पूरा उसकी उसका मुंह उस तरफ है, उसका मुंह उस तरफ है, एक टोटल सतोगुणी है, एक टोटल कलयुगी है, बराबर। इन केस कोई ऐसा ग्रह नक्षत्र आपकी लाइफ में काम कर रहा है, या फिर ऐसा कि जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना आपकी लाइफ में आने वाली है और आप इस पेड़ को लेकर के आए पौधे को, और अचानक कोई दुर्घटना घट जाए, आपको लगे आपके लिए नेगेटिव है, आप उसको तुरंत हटा दो। कितनी बार ऐसा होता है जब हम कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं तो वो दुर्घटना जो 10 दिन बाद होने वाली है, 6 महीने बाद होने वाली है, वो तुरंत उसी समय हो जाएगी, और हमको लगता है कि हमने ये व्रत किया इसलिए हमारे साथ गलत हुआ, ये हमने उपवास किया था हमारे साथ गलत हुआ, हम ये वाला पौधा लेकर आए ये पौधा हमको नहीं फला, ये हमको नहीं फल रहा है क्योंकि इसके आते ही ये हुआ। एक्चुअली ये बहुत गहरा इसके पीछे ज्ञान है, इतना लंबा इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। कई बार जो फल हमको 1 साल तक भोगने हैं वो कुदरत 2 या 3 दिन में भोगवा करके हमको छुट्टा कर देती है, लेकिन वो 2-3 दिन हमको बहुत ही ज्यादा खराब लगते हैं और हमको ऐसा लगता है हमने शनिवार उपवास किया था तो हमारे ऊपर दुख आ गया, हमने गुरुवार की शुरुआत की हमारे ऊपर दुख आ गया। तुमने अच्छी चीज की शुरुआत की है, लेकिन जो बुरी चीजें जो भोग रहे थे वो इकट्ठा होकर के आ गई है, जो बहुत जल्दी आपको उसको भोगना है और उससे छुटना है। तो ऐसे केस में कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज जब लेकर के आते हैं तो अचानक कोई दुर्घटना भी होती है। अगर आपका मन नहीं मानता है, आपको लगता है ये चीज मेरे साथ सेट नहीं हुई है, तो आप उसको पहले ही दिन हटा भी सकते हैं, लेकिन आप याद रखना ये अपने इफेक्ट 1 दिन में ही दिखा देगा, अच्छा करेगा, पहले ही दिन आपको पता चल जाएगा। दोस्तों ये धन खींच करके लाता है, कलह को दूर कर देता है।
इफेक्ट आपको एक दिन में या एक दिन में भी नहीं, मैं तो कहती हूँ 3-4 घंटे में ही लोगों को इसकी असर पता चल गई है, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा खराब समय था 2-3 घंटे में उनको और भी ज्यादा खराब समाचार सुनने के लिए मिले और वो डर करके उन्होंने हटा दिया। लेकिन जो रख कर बैठे बहुत जल्दी आगे भी निकले, क्योंकि ये पॉजिटिव चीजें सभी के लिए अच्छी है। कभी इन केस आपको कोई तकलीफ पड़ती है आप उसको हटा भी सकते हैं, एक दिन से ज्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा, 1 या 1.5 दिन, ये इतना ज्यादा एक्टिव है। आप इसको नर्सरी से मंगाए और अपने घर में जरूर लेकर के आए, ला करके रखें और इसकी इफेक्ट देखें। पूर्व दिशा में रख सकते हैं, उत्तर दिशा में रख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा में भी आप इसको रख सकते हैं। ये धन को आपके घर में बांध करके रखेगा, ला करके देखें क्या असर होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।